इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? इसकी सजा मिलेगी। इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। डीजी हॉस्पिटल मुंबई। इस हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट की रेल रहती। यहां सभी पेशेंट का इलाज सस्ते दामों में किया जाता। यहां का स्टाफ भी काफी मदद करने वाला था। उन्हीं स्टाफ में से एक था नंदू। नंदू एक वार्ड बॉय था। उसे इस अस्पताल में काम करते काफी साल हो चुके थे। कभी पेशेंट को एक माले से दूसरे माले पर ले जाना, कभी ऑपरेशन थिएटर में हाथ बटाना, तो कभी डेड बॉडी को मुर्दा घर में ले जाना। नंदू को जो काम दिया जाता उसे वह पूरा करता। नंदू, 121 नंबर पेशेंट की फाइल तो ले आना। जी डॉक्टर, अभी लाता हूँ। नंदू फाइल लेकर डॉक्टर को देता है। अब पेशेंट की तबीयत कैसी है? पहले से काफी अच्छी है डॉक्टर, ऐसा ही रहा तो 2-3 दिन में हम उसे डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। गुड। नंदू की अस्पताल में सभी से बनती थी, फिर चाहे वह नर्स हो, डॉक्टर हो या पेशेंट। नंदू भी कोई काम करने से कभी पीछे नहीं हटता। नंदू को बस एक ही चीज से नफरत थी और वो थी नाइट शिफ्ट। इसके दो कारण थे। एक तो नंदू को रात में नींद बहुत आती थी और दूसरा नंदू भूतदर्शी था। भूतदर्शी यानी जब भी कोई आत्मा अपने शरीर को छोड़ रही होती है तो वह जिस भी आदमी के कुंडली में भूतदर्शी योग है उसे वह दिखाई देती है। नंदू के कुंडली में भी भूतदर्शी योग था, हालांकि इतने सालों में उसे कोई भी प्रेत आत्मा नहीं दिखी थी। नंदू जब भी किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखाता उसे भूतदर्शी योग के बारे में सुनने को मिलता। बाबा, मेरी कुंडली देखकर मेरे जीवन के बारे में कुछ बताइए। अद्भुत, तुम्हारे कुंडली में तो भूतदर्शी योग है। भूतदर्शी योग, ये क्या होता है बाबा? जब भी आत्मा अपने शरीर को छोड़ रही होती है तब वो जिस भी आदमी के कुंडली में भूतदर्शी योग है उसे वह दिखाई देती है। तुम्हारी कुंडली में भी भूतदर्शी योग है। पर मेरे ही कुंडली में क्यों बाबा? ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मगर बाबा, इससे मुझे कोई परेशानी? चिंता मत करो बालक, तुम्हें प्रेत आत्माएं सिर्फ दिखेंगी पर वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी। बाबा, आज तक तो मुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं आई, भगवान करे आगे भी ऐसा ही हो। तथास्तु। नंदू को अस्पताल में महीने के एक हफ्ते नाइट शिफ्ट करना जरूरी था। वैसे तो नाइट शिफ्ट में ज्यादा काम भी नहीं होता था और 1-2 घंटे सोने को ही मिल जाता, इसलिए बाकी वार्ड बॉय खुशी खुशी नाइट शिफ्ट कर लेते। मगर नंदू ऐसा नहीं था। जब भी उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहा जाता तो वह बात को टाल देता या फिर दूसरे वार्ड बॉय को शिफ्ट चेंज करने के लिए फुसलाता। अरे रमेश, कल से अपनी नाइट शिफ्ट चेंज हो रही है ना? हाँ, मुझे तो सुबह की शिफ्ट मिली है। और तुझे? मुझे तो नाइट शिफ्ट मिली है यार। फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं, काम नहीं सिर्फ बैठे रहो और बीच बीच में सोते रहो। वो सब तो ठीक है यार, मगर। मगर क्या? मेरी माँ को 2 दिन से रात को बुखार आने लगा है। रात में अचानक उसे तेज बुखार आने लगता है, उसी में अब नाइट शिफ्ट। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी सी बात है, एक काम करो, तुम मेरी शिफ्ट ले लो और मैं तुम्हारी नाइट शिफ्ट कर लूंगा। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह नंदू बहाने बनाकर अपनी शिफ्ट चेंज करवाता। मगर कभी कभी जब कोई भी नंदू से शिफ्ट चेंज करना नहीं चाहता तब मजबूरन नंदू को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती। नंदू, कल से तुम्हारी नाइट शिफ्ट है। सर, वो मैं नाइट शिफ्ट के बदले सुबह की शिफ्ट नहीं कर सकता। नंदू, ये तुम्हारा हर बार का है, तुम्हें आखिर नाइट शिफ्ट करने से प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं सर, बस इस बार नाइट शिफ्ट कैंसिल कर दीजिए, मैं अगली बार से जरूर नाइट शिफ्ट करूंगा। सॉरी नंदू, ज्यादातर वार्ड बॉय छुट्टी पर हैं और बचे हुए वार्ड बॉय ने अपनी नाइट शिफ्ट पूरी कर ली है, तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी ही होगी। ऐसा कहकर सुपरवाइजर वहां से चला जाता है। नंदू के दिल में अब एक ही डर लगी रहती, नाइट शिफ्ट। अगले दिन नंदू नाइट शिफ्ट करने अस्पताल आता है। हालांकि ज्यादा काम ना होने के कारण नंदू एक कुर्सी पर बैठ जाता है। समय बीतता है और समय के साथ साथ नंदू की आंखें भी धुंधली होने लगती है और नंदू की आंख लग जाती है। तब दूसरा वार्ड बॉय भागते हुए आता है। नंदू, जल्दी उठो, इमरजेंसी है। क्या हुआ? एक एक्सीडेंट का केस आया है, बचने के चांसेस कम है, ऑपरेशन थिएटर रेडी करना होगा। नंदू जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागता है और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी दूसरे वार्ड बॉय एक एक्सीडेंट हुए इंसान को ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं। नंदू उस आदमी की ओर देखता है। उस आदमी का सर फटा हुआ था, पेट से खून निकल रहा था, एक पैर और हाथ की हड्डी टूटकर लटक रही थी। वो आदमी दर्द से चीख रहा था मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस आदमी ने नंदू की ओर देखा जैसे उसकी आंखें नंदू से मदद मांग रही हैं। यह सब देखकर नंदू की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। नंदू जल्दी करो, जल्दी मेरे ग्लोब्स और मास्क दो। जी डॉक्टर। ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर ने उस आदमी को बचाने की कोशिश शुरू की।
नंदू उसी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की मदद कर रहा था। गहरे घाव होने से बहुत खून बह रहा था। कुछ घाव तो इतने गहरे थे कि शरीर के अंदर के पुर्जे भी साफ साफ दिख रहे थे। ये सब नंदू ने अपने अस्पताल में बिताए सालों में पहली बार देखा था। नंदू ब्लेड दो। ये लीजिए सर। सीजर। ये लीजिए सर। अब ऑपरेशन शुरू हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था। अचानक मशीन की आवाज तेज होने लगी। उस आदमी की धड़कने तेज होने लगी। ऑपरेशन थिएटर में भी सबकी दिल की धड़कने तेज हो गई। तभी उस आदमी ने पास खड़े नंदू का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें खोलकर नंदू की आंखों में देखा। यह देखकर नंदू डर गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और तभी मशीन की आवाज शांत हो गई। इसके साथ उस आदमी ने भी दम तोड़ दिया। He is no more। बॉडी को कवर करके मुर्दा घर में ले जाओ। ओके डॉक्टर। नंदू ने उस बॉडी को सफेद कपड़े में लपेट दिया। फिर वो उस बॉडी को लेकर मुर्दे घर की ओर चल पड़ा। मुर्दा घर अस्पताल के बेसमेंट में था, इसलिए नंदू ने उस बॉडी को लिफ्ट में डाला और लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट में नंदू और वो बॉडी थी। नंदू के दिमाग में ऑपरेशन थिएटर में हुआ किस्सा आ रहा था। उस आदमी की आंखें जो नंदू को देख रही थी और उसका नंदू का हाथ पकड़ना नंदू को बेचैन कर रहा था। अचानक उस बॉडी में से कपड़ा फाड़ कर एक हाथ निकलता है जो कि फिर से नंदू का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर नंदू डर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। नंदू नंदू क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने एक डरावना सपना देखा। नंदू राहत की सांस लेता है। तभी एक वार्ड बॉय भागते हुए नंदू के पास आता है। नंदू उठो जल्दी, इमरजेंसी है, एक्सीडेंट का केस है, जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो।